पिछले साल का क्वेश्चन देखा है आप लोगों ने, क्या पूछा गया था? पहले टॉपिक से क्या पूछा गया? पहला टॉपिक आदिकाल, बताइए कितना कठिन है। आदिकाल से क्या क्या पूछा गया? सिविल सेवा 2022। सिविल सेवा 2022 में एक सवाल पूछा गया था, प्रथम पत्र में पूछा गया, फर्स्ट पेपर में, सिविल सेवा 2022-23। अमीर खुसरो की काव्य भाषा का महत्व, ये सवाल था। अमीर खुसरो, ये 10 अंक की टिप्पणी थी, सिविल सेवा 2022-23। दस अंक की टिप्पणी थी ये, कैसे लिखते इसको? प्रश्न है अमीर खुसरो की काव्य भाषा का महत्व, ये सवाल है। कैसे लिखेंगे, पढ़ा है आप लोगों ने, बताइए। ये आसान सवाल था सिविल सेवा 2022-23 का, जिसका अभी रिजल्ट होगा। इसको कैसे लिखते हैं, अमीर खुसरो की काव्य भाषा का महत्व? तो देखिए, हाँ बताइए, समन्वयवादी संस्कृति, और क्या लिखते, देखिए कैसे लिखते हैं इसको, कैसे इसका आंसर लिखा जाता। एक तो ये 10 अंक का सवाल है, तो कितने शब्दों में लिखते हैं? लगभग 150 शब्द में लिखता होता, और आपके पास समय कितना होता, 7 से 8 मिनट। तो पहले से प्रैक्टिस अगर होगा तो आप इसको लिख पाएंगे। इसमें 3 शब्दों पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो अमीर खुसरो, फिर इनकी काव्य भाषा, और फिर इसका महत्व। ये 3 बातें, इस प्रश्न के 3 आस्पेक्ट, अमीर खुसरो, काव्य भाषा और उसका महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले इनको बताएंगे, यानी लगभग 3 पैराग्राफ में आप इसको लिखेंगे। तो अमीर खुसरो, अमीर खुसरो कौन है, तो क्या लिखते आप कि आदिकालीन, और फिर ये कहाँ के हैं, दिल्ली सल्तनत के, याद होगा आपको। के दरबारी रचनाकार हैं, यानी इस प्रश्न में कौन कौन सी बातें लिखते, अमीर खुसरो कौन है, दिल्ली सल्तनत के दरबारी रचनाकार, इनका समय क्या है, 1255 से 1325, ये समय है इनका, और ये सूफी संत हैं, भाषाविद हैं, भाषा के जानकार हैं, और हिंदी उर्दू के प्रथम रचनाकार माने जाते हैं, प्रथम रचनाकार। सांस्कृतिक चिंतक हैं, तो आपने एक लाइन या मुश्किल से 2 लाइन में क्या लिखा, अमीर खुसरो का परिचय लिखा। अब ये पहला पैराग्राफ होगा, फिर दूसरा पैराग्राफ पे आइए, इसमें क्या लिखा हुआ है, काव्य भाषा। प्रश्न क्या था, क्योंकि प्रश्न उत्तर जो लिखते हो किसको नजर में रखते हुए, परीक्षक को ध्यान में रखते हुए, तो आदिकालीन दरबारी रचनाकार अमीर खुसरो, सूफी संत, हिंदी उर्दू के प्रथम रचनाकार, और इनके गुरु का नाम क्या है, बताइए, निजामुद्दीन औलिया, ये इनके गुरु का नाम, निजामुद्दीन औलिया।
अब दूसरा पैराग्राफ है काव्य भाषा। काव्य भाषा का मतलब क्या हुआ? कविता की भाषा। काव्य मतलब कविता की भाषा क्या है? काव्य भाषा। और इनकी काव्य भाषा के कौन कौन से तत्व हैं? तो सबसे पहला जो तत्व है ये खड़ी बोली हिंदी के रचनाकार है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रतिनिधि रचनाकार। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रतिनिधि रचनाकार। हम प्रश्न के दूसरे शब्द पर ध्यान दे रहे हैं। पहला शब्द है अमीर खुसरो, दूसरा शब्द है काव्य भाषा और तीसरा शब्द है उसका इम्पोर्टेंस। तो इनकी भाषा कौन कौन सी है? खड़ी बोली। दूसरा क्या है? ब्रज भाषा में भी ये बात करते हैं और ब्रज भाषा में सूफी दोहे लिखते हैं। प्रश्न क्या था? क्या अमीर खुसरो की काव्य भाषा। तीसरी बात क्या है? यह अवधी के भी रचनाकार, अवधी भाषा के भी रचनाकार और इनकी रचना है खलिक बारी। यह अवधी में है, अवधी में। चौथी बात, ये फारसी के भी रचनाकार, फारसी के भी और इनकी एक रचना है तुगलकनामा। तो ये तो इनकी काव्य भाषा। और खड़ी बोली में क्या है? पहेली है, मुकरी है, निस्बत, ये सब खड़ी बोली में। अब प्रश्न समझ में आ रहा होगा, अमीर खुसरो काव्य भाषा और फिर इसका क्या है महत्व? मेन जो प्रश्न का हिस्सा है वो क्या है? ये वाला है। तो सबसे पहले अमीर खुसरो आपने बताया, फिर क्या बताएंगे? काव्य भाषा। और फिर तीसरा पैराग्राफ है वो क्या लिखेंगे? इसका महत्व, महत्व किसका? महत्व अमीर खुसरो की काव्य भाषा का महत्व। अगर पहले से नहीं लिखा होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। अमीर खुसरो काव्य भाषा और फिर महत्व, और इसमें इम्पोर्टेंस में लिखेंगे कि भारतीय सांस्कृतिक वैशिष्ट मिलता है इनकी रचनाओं में, भारतीय संस्कृति की विशेषता मिलती है इनकी रचनाओं में। और स्वयं को वे हिंद का क्या कहते हैं? स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहते हैं स्वयं को। भारतीय सांस्कृतिक वैशिष्ट मिलता है इनकी रचनाओं में, इनकी काव्य भाषा भारतीय सांस्कृतिक समन्वय को व्यक्त करती है। दूसरा क्या है कि इसका सामाजिक महत्व भी है, सामाजिक महत्व। ये लिंग भेद पर बात करते हैं, लिंग भेद पर बात करते हैं। आपको याद होगा कि ये कहते हैं काहे को ब्याहे परदेश, नहीं ब्याहे परदेश, सुन बाबुल मोरे, ये कहते हैं सामाजिक बात, सामाजिक। हाँ काफ़ी है, क्योंकि आपको कितना 7-8 मिनट में ही लिखना है। केवल इतना ध्यान रखना है कि ऑर्डर में लिखेंगे तो परीक्षक को आसानी होगी और अच्छा मार्क्स देगा। नहीं, सवाल क्या था कि अमीर खुसरो की काव्य भाषा का महत्व बताइए, आसान सवाल था। अमीर खुसरो के बारे में एक दो लाइन लिखा, काव्य भाषा उनकी क्या है वो लिखा, और फिर आप क्या लिख रहे हैं? महत्व लिख रहे हैं। तीसरा जो महत्व है, खड़ी बोली हिंदी क्षेत्रीय बोली को साहित्यिक गरिमा प्रदान की। एक क्षेत्रीय बोली थी खड़ी बोली हिंदी, उसको साहित्यिक गरिमा लिटरेचर के रूप में, और इसलिए इनको खड़ी बोली हिंदी का प्रथम रचनाकार भी कहा जाता है। हम क्या लिख रहे हैं? अमीर खुसरो की काव्य भाषा का महत्व बता रहे हैं। चौथी बात, सूफी तत्व भी इनकी भाषा में मिलते हैं,
निजामुद्दीन औलिया के विचारों को इनकी भाषा व्यक्त करती। पांचवा महत्व है कि ये लोक मनोरंजन पर बात करते हैं। लोक मनोरंजन यानी इनकी रचनाओं में लोक तत्व है, लोक तत्व की प्रधानता है, इनकी रचनाओं में लोक तत्व की प्रधानता है। और छठी बात है कि ये भाषाई समन्वय इनकी रचना में मिलता है, यानी इनकी रचना में फारसी के तत्व मिलेंगे, अवधी के तत्व मिलेंगे, ब्रज के तत्व मिलेंगे, संस्कृत के भी जानकार हैं और खड़ी बोली के भी तत्व मिलेंगे, खड़ी बोली के भी तत्व मिलेंगे। तो ये सब बातें लिखनी हैं और एक दो उदाहरण लिखना है। पहेली और मुकरी से भी एक दो उदाहरण लिख सकते हैं, आपने पढ़ा है इसको नहीं। ये सब लिखने के बाद अब आपको क्या लिखना है, एक लाइन का निष्कर्ष लिखना है, फिर निष्कर्ष। और ज़्यादा बड़ा नहीं लिख सकते क्योंकि आपके पास तो वैसे ही शब्द सीमा 150 शब्द हैं, स्पेस दिया हुआ है। निष्कर्ष लिखेंगे एक वाक्य का, कुछ भी लिख सकते हैं, सांस्कृतिक समन्वय की बात कह सकते हैं या खड़ी बोली हिंदी ऋणी है अमीर खुसरो की, हमारा समाज ऋणी है, जो एक सामासिक संस्कृति भारतवर्ष की है उसमें अमीर खुसरो का भी अपना योगदान है। तो ऐसे हम लोग उत्तर लिखेंगे। ये प्रश्न बहुत सरल पूछा गया था, वैसे सरल आते ही हैं। अमीर खुसरो की काव्य भाषा का महत्व, ये सवाल 10 अंक का था, जिसको 3 या 4 भाग में आप लिखते हैं 150 शब्दों में। आदिकाल के प्रतिनिधि चिंतक अमीर खुसरो, 13वीं-14वीं सदी, सूफी संत, एक भाषाविद, एक संगीतज्ञ भी हैं, यहाँ पर संगीतज्ञ भी हैं। आप जानते हैं कि सितार और तबला के जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो। तो इस तरह से इस ऑर्डर में लिखना है, काव्य भाषा को बताना है, इनकी 4 भाषाओं पर इनका अधिकार है, खड़ी बोली पर, ब्रजभाषा पर, अवधी पर और फारसी पर। और फिर इसका जो इम्पोर्टेंस है संवेदना के स्तर पर और शिल्प के स्तर पर, भारतीय सांस्कृतिक समन्वय और उसका वैशिष्ट इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। और स्वयं को तो तूतीय हिंद भी कहते हैं, हिंदुस्तान का तोता कहते हैं। और सामाजिक समस्याओं के जानकार, लिंग भेद पर पहले रचनाकार हैं, लिखने वाले, खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठित करने वाले, इनके रचनाओं में लोक मनोरंजन और लोक तत्व की प्रधानता मिलती है। ये समय किसका है, ये समय है वीर गाथा काल, ये समय है सामंती परिवेश। और उस सामंती परिवेश में दिल्ली सल्तनत में रहते हुए अमीर खुसरो किस पर बात करते हैं, लोक तत्व पर बात करते हैं। और भाषाई समन्वय है, फिर आप निष्कर्ष लिखते हैं। तो आसान है लिखना। ये प्रश्न पूछा गया कब, सिविल सेवा 2022-23, अमीर खुसरो और आदिकाल पर। आदिकाल जो आपका पहला चैप्टर है,